याली मदद चूँकि हम तमाम यहाँ पर नूर के हवाले से बात कर रहे हैं तो कुछ सवाल जो माजी में किए गए थे नूर के हवाले से उस पर हम कुछ बातचीत करेंगे तो पहला सवाल जो किया गया वो ये कि नूर क्या है तो हम तमाम जानते हैं नूर के लफजी माना रोशनी के हैं जबकि दीनी इस्तलाह हैं जब हम मजहब में नूर को लेते हैं तो उसके माना हिदायत के होते हैं सवाल ये उठता है कि हिदायत क्यों चाहिए हमें हिदायत इसलिए चाहिए कि हमें इल्म चाहिए हमें डायरेक्शन चाहिए हमें ये मालूम करना है कि भाई हम दीन में किस तरह से आगे बढ़ें किसी भी प्रोफेशन को ले लें किसी भी स्टूडेंट को ले लें अगर वो इल्म हासिल नहीं करता है तो उसे आगे बढ़ने की समझ नहीं आती है इल्म ही वो चीज़ है जो उसको बताती है कि आगे किस डायरेक्शन में कहाँ जाना है क्या करना है बिल्कुल इसी तरह से मज़हब में भी नूर जो कि हमें हिदायत की सूरत में मिलता है वो हमें इल्म देता है जब एक बंदा मोमिन इल्म हासिल करता है तो वो इल्म आगे चल कर में तब्दील हो जाता है यानी कि नॉलेज बिकम्स विजडम साथ ही साथ हिदायत की ज़रूरत इसलिए भी है हमें कि हमें यकीन आए यकीन ईमान को मज़बूत करता है और यकीन के अंदर भी दर्जात है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे यकीन जब आगे चल कर पुख्ता हो जाता है तो मारफत में बदल जाता है और हम तमाम आज यहाँ इधर जमा हुए हैं उसका एक ही मकसद है वो ये कि हमें मारिफत मिले अब सवाल ये उठता है ठीक है हमने नूर के लफ्जी माना तो सीख लिए, दीन इस्लाम में भी नूर को समझ लिया अब ये नूर हमें हासिल कैसे हो इसका वसीला क्या है तो इसका वसीला इमाम ज़मान सल्वात की ज़ात अक्दस है अब ये समझना होगा कि इमाम बज़ाहिर हम तमाम की तरह इंसान हैं इंसानों में बहुत कमी गलतियाँ ख़ामियाँ होती हैं लेकिन इमाम में कोई भी कहीं कोई कमी कोई कोताही है ही नहीं हालांकि इमाम हमारी तरह इंसान है लेकिन इमाम को हम परफेक्ट मैन कहते हैं इमाम में कहीं भी कोई कमी की गुंजाइश है ही नहीं इमाम को कामिल मुकम्मल कहा जाता है ना सिर्फ ये बल्कि इमाम हमेशा जिंदा होता है इमाम की हिदायत हमेशा ज़िंदा होती हैं ये भी एक बहुत ज़रूरी नुक्ता है जो गौर तलब है वो ये कि हमारे मजहब में कोई भी चीज मुर्दा है ही नहीं हमारे मजहब में हर चीज जिंदा है तो इमाम ज़मान जो हमारे लिए इंसानी जमे में हमारे पास आए वो हमारे लिए खुदावन ताला के नूर को लाए और वो नूर हिदायत की सूरत में है अब हिदायत जो इमाम ज़मान से हमें मिलती है उसमें कोई भी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं शक जब ये हिदायत मिलती है और इस हिदायत पे अमल किया जाता है तो हिकमत में बदलता है यकीन मार्फत में बदलती है और उस बंदा मोमिन को तमाम आसमानों की और ज़मीन की हकीकतें मालूम हो जाती हैं यानी वो तमाम राज जो कि छुपे हुए हैं वो रोशन हो जाते हैं अयाँ हो जाते हैं और ये तमाम मालूमात सिमटकर उसके दिल के अंदर समा जाती हैं जाहिर में हम देखते हैं कि कोई साइंटिस्ट अगर कोई एक चीज़ को लेकर रिसर्च करता है तो उसकी सारी ज़िंदगी निकल जाती है वो एक कतरे को समझ पाता है इस सारी बड़ी कायनात में से वो एक जर्रे को समझ पाता है लेकिन इसके बरक्स अगर कोई मोमिन सालिक जब इमाम के नूर को सही मानों में मुकम्मल मानों में हासिल कर लेता है तो उसके लिए तमाम मालूम महदूद होकर सिमट कर उसके अंदर उतर आती हैं और उसके सामने से तमाम हिजाबात के पर्दे हट जाते हैं उसके लिए कोई भी चीज़ छुपी हुई कहीं भी नहीं होती है वो जान जाता है कि अव्वल का रास क्या है आखिर क्या है जाहिर क्या है और बातिन क्या है तमाम चीज़ें उसके लिए आया हो जाती हैं अब दूसरा सवाल नूर की तारीफ़ क्या है जैसे कि हम कहते हैं भाई तारीफ इस इस चीज़ की क्या तारीफ़ है इसको कैसे बयान किया जाए इसी तरह से नूर की क्या तारीफ़ है तो नूर की तारीफ़ ये होगी कि जहाँ भी नूर तुलू होता है वहाँ अंधेरा ख़त्म हो जाता है तारीख़ी गायब हो जाती है तो ये कहा जाएगा कि नूर की जो सिफत है जो नूर की कैरेक्टरिस्टिक है वो जहूर है जब नूर जहूर होता है तो अंधेरा ग़ायब हो जाता है क़ुरान की एक आयत है सेवन की सेवन वमा कुन्ना गायबीन। इसमें खुदावन तारा फरमाते हैं कि हम कभी भी ग़ायब नहीं थे तो एक मिसाल के लिए हम देखते हैं कि हम तमाम इल्म की मजलिस अटेंड करते हैं तो इल्म हासिल करने से जो आज हमें समझ मिली है अब हम जब जमात खाने जाते हैं ये नान को फरमान को सुनते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं तो ये हिदायत तो पहले से मौजूद थी हमें समझ क्यों नहीं आती थी क्योंकि जब हम इल्म हासिल करते हैं नूर के रास्ते पर चलते हैं और नूर ख़तरा ख़तरा हमारे दिल के अंदर जब उतरता है तो हमारे अंदर से जो ग्रहें लगी हुई हैं वो खुल जाती हैं और चीज़ें हमें अब समझ में आने लगती है यानी कि दूसरे अल्फाजों में हम ये कहेंगे कि नूर की वजह से तारीख ही हमारे अंदर से ख़त्म हो रही है और नूर जहूर पा रहा है हमें चीज़ें समझ आ रही हैं हिदायत पहले भी थी अब भी हैं लेकिन अब हमें समझ आ रही है तो ये नूर की तारीफ हुई कि नूर जहूर होता है हम बात कर रहे थे कयामत के ज़माने की तो कयामत के ज़माने की एक बहुत बड़ी शनाख़्त यही है कि कियामत के ज़माने में नूर ज़ुहूर हो जाएगा ये ज़माना ज़ुहूरात का है यानी नूर का है फिर ये सवाल होता है कि क्या नूर की किस्में हैं तो यकीनन हम कहेंगे नूर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता इसकी कोई टाइप्स नहीं हो सकती है आप बिल्कुल सही है नूर एक ही है लेकिन नूर के कई पहलू हैं उन पहलुओं को समझने के लिए हमने नूर को तीन हिस्सों में तकसीम किया है पहला जो पहलू है वो है इखलाकी नूर दूसरा जो है वो रूहानी नूर तीसरा जो है वो अकलानी नूर तो सवाल फिर ये होगा कि तीन पहलू क्यों क्यों दो नहीं क्यों चार नहीं तो इसके लिए भी एक मंतकी जवाब ये होगा कि बातिन कायनात का इस यूनिवर्स का अगर हम देखते हैं तो उसके भी तीन पहलू हैं किस तरह से अक्ल कुल नफ़ कुल जिसम कुल इस कायनात की भी एक फ़िज़िकल बॉडी है इस कायनात की भी रूह है और इस कायनात की अकल भी है तो इस तरह से हमने नूर के तीन पहलू लिए हैं अब इसी बात को इसी चीज़ को हम अगर इंसान की ज़ात पर अप्लाई करते हैं तो इंसान के अंदर भी यही तीन चीज़ें हैं कि इंसान जिसम रखता है साथ ही साथ वो रूह भी रखता है और फिर अकल भी रखता है अगर हम अपने पर्सनल वर्ल्ड अपने आलम शख्सी में जाँग कर देखते हैं तो उसमें भी तीन किस्में हैं दुनियाए अक्ल दानश दुनियाए रूह रूहानियत और दुनियाए व बशरीत फिर हम जब आलमों की बात करते हैं आलम वर्ल्ड को कहेंगे तो अगर हम ये समझते हैं कि खुदा खुदा की ज़ात कहाँ से है तो हम ये बात करते हैं कि खुदा ला से है ला जहाँ कुछ भी ना था तो वो जहाँ कुछ भी ना था उस आलम को हम आलम लाहूत कहते हैं जहाँ खुदा वहदानियत में है आलम लाहूत आलम लाहूत के बाद तीन आलम हैं जहाँ आलम लाहूत से नूर हिदायत की सूरत में उतरा वो तीन आलम क्या हैं वो है आलम नासूत यानी इंसानों का आलम द वर्ल्ड ऑफ़ ह्यूमन बींगस दूसरा है आलम मलकूद यानी फ़रिश्तों का आलम द वर्ल्ड ऑफ़ एंजल्स फिर तीसरा है आलम जबरूद यानी के मुकर्रब फिरश्तों का आलम द वर्ल्ड ऑफ आर्ज एंजल्स मिसाल के तौर पे मिकाइल इजराइल इसराफील और जिब्राइल। इन मिसालों का मकसद क्या है क्यों हम इस तरह से तीन पहलुओं की बात कर रहे हैं तो ये इसलिए ज़रूरी है इस तरह से बात करने का मकसद ये है कि हमारे जिसम को हमारी रूह को और हमारी अकल को बराबर बराबर तालीम मिले अब हम बात करेंगे इखला की नूर की तो यहाँ पर मेरी दरखास्त होगी शर्मीन से कि वो हमें हाजिर माम का फरमान नवम्बर नाइनटीन नाइनटी वन का पढ़ कर सुनाए The first answer is to stay united and to practice your tarika. That is, first of all, to have an ethic, a moral ethic, which comes from our faith, from our tarika. To have a work ethic because we have a work ethic. To have a service ethic because you serve, you serve each other, you serve the Imam of the time. To have an ethic of unity, no matter where a marid comes from whether he lives in the western world or the east, he is your brother and she is your sister. and build those bridges. these principles, which are deeply rooted in our Therika and in its practice since centuries, these principles are important to maintain, for those are the ones on which to build solid structures. तो यहाँ पर इमाम ने फरमाम ने बहुत ही वाज तौर पर हमें ये कहा कि हर चीज़ में एथिक्स है हर चीज़ में इखलाक है और हमें इखलाक को जो है वो प्रैक्टिकली इस पर अमल करना चाहिए अखलाकियात जो है वो बहुत ज़रूरी है अब सवाल ये होता है कि हम नूर की बात कर रहे थे अब नूर में इखलाक कहाँ से आ गया या अखलाक कैसे नूर हो सकता है तो कुरान की एक आयत है सिक्सटी की फ़ोर जिसमें खुदा वन फरमाते हैं व अन का अल्ला खलकन अजीम और बेशक आप बेहतरीन इखलाक के मालिक हैं ये आयत हज़ुर वल्लम के लिए उतरी और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप बेहतरीन इखलाक के मालिक हैं तो अगर हम हज़ुर सल्लाम की ज़िंदगी पर गौर करें तो हमें कई मिसालें मिलती हैं उनके अखलाकियात की सबसे बेहतरीन मिसाल और बहुत ही आम तौर पर हमने सुनी भी मिसाल ये है कि वो जब अज़ान के बाद नमाज के लिए जब घर से निकलते थे, थे सुबह के वक्त तो ये ख़ातून जो थी वो ऊपर से उनके ऊपर कचरा फेंकती थी और उनके साफ़ सुथरे कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते थे वो फिर घर जाते थे और फिर कपड़े चेंज करते थे और फिर वो अपने घर से निकलते थे अब हम इस मिसाल को अगर अपने ऊपर अप्लाई करें तो अगर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कभी घर से बाहर निकले जमात खाएँ जाने के लिए मिसाल के तौर पर और कोई हम पर कचरा फेंकता है तो चलो ठीक है हम कुछ ना कहेंगे घर आकर कपड़े तब्दील कर लेंगे दूसरे दिन फिर यही माजरा होता है तो हम पीछे मुड़ कर देखेंगे मालूम करेंगे भाई ये क्या माजरा है किसी से शिकायत करेंगे और जो है मेक श्योर sure करेंगे कि ये चीज़ दोबारा हमारे साथ ना हो गुस्सा भी शायद आ जाएगा हमें और नाराज़गी का भी मुजाहरा करेंगे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला नागा इस चीज को बर्दाश्त किया एक बुरा रवैया उनके साथ किया गया और उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा कभी गुस्से का इजहार कभी नाराजगी कोई बात नहीं, की यहाँ तक कि एक दिन खातून ने कचरा ना फेंका तो आप उनके घर ही चले गए और आपने मालूम किया कि भाई क्या माजरा है तो पता चला वो खातून बीमार थी और फिर उसम ने इसकी तेमानदारी की नतीजा क्या हुआ कि वो इस्लाम ले आई उसका दिल आपके इखलाक को देखकर इस्लाम मजहब की तरफ मायल हो गया तो यह है उनके इखलाक की मिसाल और ये एक मिसाल है छोटी सी मिसाल है ऐसी कई मिसालें आपकी ज़िंदगी में हमें नज़र आती हैं इसलिए कुरान की आयत नाजरी के बेशक आप बेहतरीन इखलाक के मालिक हैं वह इन्ना कल अल्ला खलकन अजीम एक और कुरान में हजूर सल्लम का टाइटल है और वो है सिराज मुनीर शुर एज़ाब की आयत नंबर फोटी सिक्स इसके माना होते हैं रोशन चिराग फिर सवाल होता है यहाँ पर कि उनको रोशन चिराग क्यों कहा गया तो उनके जो इखलाक़ थे जो उनकी आदत थी आजज़ी सखावत ख़िदमत तमाम की मिजाज पुरसी वो हमारे लिए जो थे वो नमूना ए अमल थे उनके कॉल और फैल में कोई तजाद ना था वो जब भी बोलते थे सच्ची बात ही बोलते थे सादिक और अमीन थे उनके इस एक अच्छे अखलाक की वजह से कितने ही लोग इस्लाम मज़हब की तरफ रागब हो गए तो जहाँ अच्छा इखलाक होता है वहाँ अच्छाई पैदा होती है जहाँ बुरा अखलाक होता है वहाँ पर अंधेरा और म्मत होती है तो मतलब अगर हमारे आसपास कोई शख्स कॉन्सटेंटली कंप्लेन करे या गुस्सा करे तो वहाँ पे तबीयत जो है भारी हो जाएगी दिल सख्त हो जाएगा ऐसे माहौल में कहीं जो है किसी की खिदमत करने का किसी से अच्छी तरह से बात करने का कोई इम्कान पैदा नहीं होगा तो सवाल ये होता है कि इखलाक़ी नूर क्या इतना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है इखलाक़ दुनिया में रहने के हवाले से सिविल होने के हवाले से हमें समझ आती है बात लेकिन इखलाक नूर भी है तो वो बात जो है वो हैरत अंगेज़ है और ये क्यों ज़रूरी है हमें एम की क्लास में कि इखलाक़ी नूर को समझा जाए तो इसके जवाब में ये कहना होगा कि रूहानी व अकली नूर से पहले ज़ाहरी नूर की तालीम लेनी होती है कुलिया क्या है पहले हमारा जिसम है इसके बाद हमारी रूह और फिर अकल है मिसाल के तौर पर एक खातून को एक माँ को जब हमल ठहरता है तो सबसे पहले बच्चे का जिसम बनता है और फिर कुछ अरसे बाद उसके अंदर उस जिसम के अंदर रूह दाखिल होती है फिर कहीं जाकर जब बच्चा पैदा हो जाता है दुनिया में परवान चढ़ता है और कहीं आगे जाकर बाद में उसे अकल आती है तो ये कलिया है एक तरक्की का एक प्रोग्रेस का कि पहले जिसम होगा फिर रूह होगी और फिर अकल होगा तो इसीलिए अगर हमें इल्मी तरक्की करनी है क्यों करनी है क्योंकि नूर हासिल करना है तो सबसे पहले हमें अपने इखलाक को सुधारना होगा हमने ये बात बहुत दफ़ा की है कि किसी की गिबत करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है यहाँ तक कि अगर हमें किसी की कोई हमें जान कर तंग करे या किसी की बुराइयाँ हमें आँखों से नजर आए तो भी हमें उनके ऐब पर पर्दा डालना है क्यों कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने खुद अपने फरमान में फरमाया कि हम दूसरों के ऐब ऊपर पर्दा डालते हैं तो फिर हम मौला के मुरीद होकर किसी के ऐबों को क्यों आया करते हैं तो ये बात हमने चूंकि बहुत डिटेल में की हुई है हमारे आमाल एक और बात याद आती है कि किसी जमात में किसी शख्स ने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से पूछा कि या मौला मुझे इबादत में नूर नज़र नहीं आता मैं इबादत जो है वो बायदगी से करता हूँ तो इमाम ने उनसे पूछा कि भाई आप के आमाल कैसे हैं तो वो शख्स कहता है कि मेरे आमाल भी अच्छे हैं तो इमाम उसको जवाब देते हैं या तो फिर आप सच्चे हैं या मैं झूठा हूँ तो नाउज़बिल्ला इमाम कभी भी कोई बात गलत नहीं करते हैं ये हमारे आमाल की कमी है हमारे अंदर इल की कमी है हमारी नादानी है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं फिर सवाल उठता है कि क्या इमाम का जिसम वो शख्सियत भी नूर है ज़ाहरी जिसम की बात हो रही है तो हम तमाम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये जो है इमाम का जिसम भी जो है वो नूर है तो सवाल ये उठता है कि किस तरह से इमाम जो है जिसम के बगैर हमें नूर जो कि हिदायत की सूरत में नहीं दे सकते हैं तो इमाम जो जिसम लेकर आए हैं वो भी नूर ही की सूरत में है वो नूर दुनिया में हमारे लिए आया है ताकि हमारी इखलाक की हमें तालीम दी जाए हमारी रूह की हमें तालीम दी जाए ताकि रूहानी तरक्की हो और फिर हमें अक्ल की तालीम दी जाए ताकि अकलानी तरक्की हो सवाल ये उठता है कि इमाम का जिसम कैसे नूर है तो यहाँ पर हम आया नूर की बात करेंगे आया नूर ये चौबीस की पैंतीसवीं आयत है जो हमने पिछली क्लासेस में कुछ आ, रिव्यू की थी तो इस आया में आ, खुदावन ताला फरमाते हैं अल्लाह नूर समावा नूर ही, ही मिसबा फी जुजाजा यानी कि अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है उसके नूर की मिसाल एक चिराग की है जो एक कंदील में रखा हुआ है और वो कंदील ताक में है माफी इसको हम इस तरह से कहेंगे कि अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का और उसके नूर की मिसाल एक ताक की है जिसमें चिराग हो और चिराग शीशे की कंदील में हो ठीक है तो अब ये देखना होगा कि चिराग तो इमाम जमान है जिस तरह हमने पिछली क्लासे में बात की थी और चिराग से जो शोला निकलता है जो रोशनी है वो भी नूर है हिदायत की सूरत में हमने ये भी, भी बात की थी सवाल यहाँ पर यह होता है कि वो चिराग जो कि ताक में है और ताक जो है वो जिसमें चिराग हो और फिर चिराग जो है शीशे की कंदील में हो तो वो भी नूर की मिसाल है तो यहाँ जो इम्फोस है वो ताक में और कंदील में है ताक जो कि वैसल है कंदील जो शीशे की है वो भी नूर है तो यहाँ पर आपकी तवज्जो इस बात पे मबजूल कराई जा रही है कि इमाम जो कि चिराग है रोशनी जो कि नूर है लेकिन जो चिराग जो शीशे की कंदील में रखा गया है और जो कंदील है वो ताक में है वो भी नूर है यानी कि इमाम ज़मान के अतराफ में जो लोग हैं यानी नूरानी फैमिली के मेंबर्स वो भी नूर ही नूर हैं तमाम नूरानी फैमिली के मेंबर्स तो हिस्ट्री में जाके जब हम पढ़ते हैं कि नूरानी फैमिलीज में कुछ ऐसे वाक़ात हुए जिस पर हम सवाल करते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हुआ कि इमाम के घरानी के अंदर से किसी शख्स ने ये ये इमामत का दावा किया और ये हुआ या वो हुआ तो ये कैसे हुआ और हम अपनी नाकस अक़ल के साथ उनको जज करते हैं तो ज़रूरी बात यह है हमारे लिए क्योंकि हम इस राह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा और समझना होगा कि इमाम ना सिर्फ नूर है बल्कि इमाम की नूरानी फैमिली भी नूर ही नूर है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई जजमेंट अपने दिल में ना लाएँ कोई ख्याल ना करें क्योंकि इससे नुकसान हमारा ही होगा और इसका सबूत हमको कुरान से ही मिल गया कि ना सिर्फ चिराग ना और उसकी रोशनी ही नूर नहीं बल्कि वो चिराग जिस ताक में रखा गया है और वो चिराग जो शीशे की कंदील में हो वो भी नूर ही नूर है फिर ये बात होती है कि अलैहि वसल्लम कुरान के आए थे ट्वेंटी वन की वन ओ सेवन ये कहा गया इन्ना अरसलना का इल्ला आलमीन यहाँ पे एक टाइटल दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं तो सल्लल्लाहु सल वसलम दुनिया में आए उन्होंने इखलाक नूर की ऐसी तालीम दी कि आज दुनिया में इखलाक उनकी वजह से आप हिस्ट्री में देखेंगे तमाम पैगंबरों की बहुत सारी जो है वो ऐसी खसूसियात हैं जिस जिनकी वजह से उनको हम याद करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम दाऊद की बात करें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है उनकी हदीस है कि मुझे कभी भी आप दाऊद पर तरजीह ना दीजिएगा ऐसा क्यों है क्योंकि दाऊद की गिर उज़ारी जो है वो बहुत ही आला दर्जे की होती थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि भाई आप मुझे उन पर तरजीह ना देंगे क्योंकि उनकी गिरियाज़ारी बहुत ही आलीशान हुआ करती थी लेकिन देखा जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये टाइटल है कि वो तमाम अम्बियाओं के सरदार है और वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाए गए तो ये एक्चुअली उनके इखलाक की तरफ जो है इशारा किया गया है कि उनका इखलाक ऐसा था कि वो हमारी ज़ाहरी परवरिश के लिए एक नमूनामल था एक मिसाल था क्यों वो इसलिए कि हमें आगे चलकर हमारी रूह की तालीम चाहिए थी और अक़ल की तालीम चाहिए थी लेकिन सबसे पहले कुलिए के हिसाब से पहले जिसम आता है पहले ज़ाहरी तालीम आती है इसी तरह से पहले इखला की नूर आता है अगर कोई शख्स अपने इखलाक को दुरुस्त ना करे सुबह शाम जमात खाने जाए इबादत करें दसों दें लेकिन ज़रा कोई बात करने के लिए आए तो वो गुस्से में बात करे या उसकी ज़बान महज ना हो उसकी ज़बान से नाज़ेबा अल्फा निकलते हो तो उस शख्स को उसकी इबादत का उसकी जमात खाने की हाज़री का जो फ़ायदा दर हकीकत में मिलना चाहिए जो रूहानी तरक्की होनी चाहिए वो शायद मुमकिन ना होगी क्योंकि रूहानी तरक्की जो है वो दूसरा दर्जा है पहला दर्जा इखला की तरक्की है अखला की नूर को अपनाना है तो यहाँ पर हम इस बात को तमाम करेंगे कि इखला नूर क्या है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे शुक्र याली मदद